विदेश मंत्री ने भी आज अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट पड़े हैं, 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में छठे फेज का मतदान खत्म हो गया है, अब सातवां और आखिरी चरण बाकी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, ओपी धनखड़ यहां पर पहुंचे थे, पूर्व राष्ट्रपति सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आज तमाम वीवीआईपी वोट देने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रांची में महेंद्र सिंह धोनी जब अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ पहले से इकट्ठा थी। यहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रपति मुर्मू, महेंद्र सिंह धोनी टीवी स्क्रीन पर आप इन्हें देख पा रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहां पर वोट देने के लिए पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रपति मुर्मू और इसके अलावा भी और वीवीआईपीज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति ने अपना वोट दिया, पूर्व राष्ट्रपति ने अपना वोट दिया, रामनाथ कोविंद ने, जगदीप धनखड़ अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए, प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, उनके बच्चों ने भी आज वोट दिया है और बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने वोट दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोट डाला, हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने यहां पर वोट दिया है, गौतम गंभीर सांसद थे और अब इन्होंने वोट दिया है, बांसु स्वराज नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार, इन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो गौतम गंभीर ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार करे था और अब वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन